शनिवार देर रात कांकीनारा स्टेशन के नजदीक काटा पोखर के पास भूसी लेकर आई एक गाड़ी के साथ घटी छीनताई व प्राणघाती हमले की घटना। मालिक का नाम सुनील कुमार साव। शनिवार रात 2 बजे रानीगंज से भूसी लेकर आए एक गाड़ी को पहले निशाना बनाया गया, उसके बाद ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर मोबाइल तक छीनने की कोशिश की गई। सुनिए पीड़ित ड्राइवर से उसकी जुबानी। यहाँ पे रात में हम 2 बजे लिया के गाड़ी खड़ा किया सर जी, खाना खाने के जैसे खा पी के सोया था, और इतने में चार लड़का आया और हमको हमारा गेट पीट के हमको जो बोला गेट खोलो, हम गेट नहीं खोला और खाली कांच उतारा, इतने में हमारे मुंह में पूरा जोरदार ईटा मारा, ठीक है, ईटा से मार दिया, मेरा नाक से खून निकलने लगा। जब हम मुड़ी अपना इस तरह से किया तो फिर उसके बाद तब तक फिर एक ईटा तान के मार दिया, जो मेरे थैली में पैसा कौड़ी था 3,000-4,000 रुपया था सब लेके चला गया। फिर उसके बाद मोबाइल भी छीन रहा था, मोबाइल हम नहीं देने के लिए बोल रहे थे तो वो लोग और ढेला पाथर मारने चालू कर दिया हमको। फिर उसके बाद वहाँ से हम गाड़ी यहाँ से स्टार्ट करके लेके भागने चालू किए, फिर भी लोग ढेला पाथर वहाँ से उठा उठा के मारा, नाला खन्ना था जो, बस इतना ही है हमारे पास। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मुनीलाल यादव है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी आजमगढ़ के। और यूपी से आप गाड़ी लेकर आए हैं? नहीं, हम यहाँ पे नौकरी करते हैं सर। किसके पास नौकरी करते? सुनील कुमार साव। ये गाड़ी किसका है? सुनील कुमार साव का। कहाँ का रहने वाले सुनील कुमार? ये दमदम एयरपोर्ट के रहने वाले हैं। अच्छा, ये अपने माल डिलीवरी देने आया था ना? माल डिलीवरी देने आया था, यहाँ का भूसी लोड हुआ। क्या भूसी डिलीवरी करने आए थे? हाँ हाँ, मतलब दमदम से आए थे माल लेकर के यहाँ उतारने के लिए? नहीं नहीं, रानीगंज से लेके आए थे भूसी। हाँ, यहाँ उतारने के लिए। और ये गाड़ी का मालिक है दमदम का? हाँ हाँ, गाड़ी का मालिक है दमदम का। कितना बजे रात को यहाँ पर आए थे? 2 बजे रात में। 2 बजे रात में? हाँ। और आते के साथ ये घटना हुआ? आने के समय 15 से 20 मिनट आधा घंटा के बाद में ही मेरे साथ घटना घटा है। क्या लगता है किधर की तरफ वो लोग गए थे? पहले उधर से आया। किधर से आया? उधर गया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर लोग कहाँ तक लग गया ये हमको जानकारी नहीं, मतलब इधर ही गया? हाँ, इधर ही गया। फिर इधर से आया तो हमारा नींद लग रहा था, जैसे आँख हमारा बंद हो रहा था, फिर आके लोग यहाँ से गेट पीटने चालू कर दिया, जो भी देखे मारा है यहाँ पूरा दागी भी पड़ा हुआ है, जोर से मारा, जोर जोर से मारने चालू किया। फिर हम उठा, जब काज डाउन किया तो उन लोग के हाथ में ईटा था, बड़ा सा बोल्डर, हमारा मुंह पे मारा। कोई ऐसा ईटा आसपास में जिससे चोट लगा? फिर उसके बाद जब हमारा मारा तो हमारे मुंह में जैसे अनहरिया छा गया, आंख में अनहरिया छा गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद हम इधर गुरजी, फिर उसके बाद हम जो है इस तरह से मुंह किया तब तक फिर एक ईटा तान के मार दिया यहाँ पे हमारे। अच्छा, ये लोग जो लड़के थे ये हाँ। लोग कितना उम्र होगा इसका? ये लोग का 17 से 18-19 साल लास्ट है, 3-4 लड़का थे ये लोग। अच्छा, कैसा टाइप का कपड़ा? गोरा गोरा सब लड़का है, पतला 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 पतला। हाँ, पुलिस प्रशासन से क्या कहेंगे यहाँ के पुलिस के व्यवस्था? यहाँ का पुलिस प्रशासन से मान लीजिए, यहाँ से हम भागे थाना गए, गाड़ी लेके भाग गए यहाँ से, जब ढेला पाथर कस के चलाने लगा तो हम यहाँ से लेके गए थाना, पुलिस जो है कि आया संग संग आया, मेरे साथ में आया। अच्छा, ले जाके हमको पहले मेडिकल करवाया। अच्छा, रात में। अच्छा, फिर वहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आए, 8-10 लोग आए थे, आए अपना मान लीजिए उधर में वहाँ जाँच वाँच की, अपना जाँच वाँच करने के बाद कोई मिला नहीं, फिर उसके बाद हमको ले जाकर फिर थाना चले गए, गाड़ी आए थे थाना पे हम ले जाके खड़ा किए थे, फिर वहाँ से हम 5 बजे आए थाना पर। डर है किसी चीज़ का आपको? हाँ, डर है ना सर, डर है, कहे नहीं डर रहे। तो पुलिस से क्या गुहार लगाएंगे आप? पुलिस से हम यही गुहार लगाएंगे सर, अगर वो लोग मिले तो उन लोग के एक ऐसा सबक सिखाया जाए कि आइंदा दोबारा ऐसा घटना ना घटाए, कोई भी ड्राइवर के साथ या कोई पब्लिक के साथ, जैसे मेरे साथ हुआ हादसा। यहाँ पे पार्टी है, आ रहे हम लोग माल लेके, बराबर आना जाना तो लगा था, लेकिन पहला बार हमारे साथ में यहाँ पे ऐसा हुआ। ये पहला बार? ये पहला बार हुआ। कितना वर्षों से आना जाना आपका यहाँ पे? यहाँ पे तो आना जाना हम लोग का करीबन आज इनसे 3-4 साल से लगा हुआ, लेकिन आज पहली बार हुआ। हम ही नहीं, हमारा गोला में आए थे ना? हाँ, इसी में आए थे। राजू जी, इस तरह का वारदात हुआ था कभी? कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ हमारे साथ। तो इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे इस पर? हाँ, जरूर लेंगे, हम लोग गए थे थाना। आखिर आपको क्या लगता है कि ये जो वारदात हुआ है
कौन किया होगा, मतलब कैसे लोग किए होंगे यहाँ के आसपास के? यहाँ के आसपास के ही लोग हैं, छोटे लड़के हैं जो ज़्यादा उम्र नहीं है उनका। किया होगा इस तरह का वारदात? इनसे छीनताई किया है। इस तरह का तो होता नहीं था वारदात, यहाँ नहीं होता। क्या गुहार लगाएंगे पुलिस से? पुलिस को गुहार लगाएंगे, इसकी इंक्वायरी करें, इसकी जाँच करें। इस तरह की घटना से चिंतित है सचेत समाज, जबकि पुलिस जुटी है मामले की छानबीन में। भाटपाड़ा के 9 नंबर वार्ड काटा पोकर संलग्न एक ड्राइवर के साथ दुष्कृतियों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है और उनसे छिनताई भी की जाती है, क्या कहेंगे इसमें? बिल्कुल, ये घटना हमारे भी संज्ञान में आया है, मैं भी सुना हूँ सुबह सुबह कि ऐसी घटना घटी है। एक ट्रक ड्राइवर कहीं से माल लेकर के आए थे और अनलोडिंग करने के बाद वो गाड़ी लगाकर वहीं पर सो रहे थे। 3-4 लोग जा कर के उसको गाड़ी को खुलवाते हैं, बोलते हैं ड्राइवर को उतरने के लिए। फिर ड्राइवर जो है उतरना नहीं चाहता है, जो ज़बरदस्ती उसे जो उतार करके उसके साथ बस शुरू की, उसे मारपीट करके जो है उसके पास जो भी कैश पैसा होता है उसको छीनने का जो है प्रयास किया जाता है। ये घटना हमें सुनने को मिली है, मैं प्रशासन को कहा हूँ और हम लोग भी पता लगा रहे हैं कि घटना में कौन लोग हैं, और प्रशासन को मैंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है ऐसे लोग को तुरंत जो है अंदर करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे लोग यदि शहर में रहेंगे तो शीत बढ़ेगा, ठंड के वक्त में जो ऐसी घटनाएं बढ़ सकती है। इसलिए जब ऐसी घटनाएं हमारे अंचल में बंद हो चुकी है, लगभग ना के बराबर जो है हम लोग को कभी देखने को मिल रहा है छिनते वाली घटना, तो ऐसे घटना को तुरंत जो है दबाना जरूरी है, तुरंत ऐसे लोगों को जो है सजा देने की ज़रूरत है। नए CP आए हैं जो हर समय कह रहे हैं कि जनता की शक्ति पर विश्वास है। नहीं, निश्चित रूप से नए CP साहब का भी कहना सही है। ये घटना में कौन कौन लोग हैं, उसमें आम लोग यदि आसपास के लोग थोड़ा सा भी यदि सहायता करते हैं तो कार्य करने में बहुत सुविधा होगी। प्रशासन भी चाह रही है कि कौन लोग थे वो पता किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से आप जानते हैं कांटा पोकर का वो अंचल जो है एक ऐसा अंचल है जहाँ से आप जो है रेलवे लाइन की तरफ भी निकल सकते हैं, नया बिहार की तरफ भी निकल सकते हैं, गोलगढ़ की तरफ भी जा सकते हैं, इधर कच्ची रोड की तरफ भी आ सकते हैं। तो वो एकदम ऐसे जगह पर जहाँ से छुप करके निकलना बहुत आसान है और किधर निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। प्रशासन भी लगी हुई है, यथाशीघ्र जो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग जो है खोज कर पाएंगे कौन है, कौन कौन लोग इसमें जुड़ित थे, और जो लोग भी जुड़ित थे उसको उचित जो है सजा मिले, ये प्रशासन से मैंने भी गुहार एवं आवेदन किया है। सर, आप तो कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे के हाथ में बम बंदूक पिस्तौल रहने से वो अपने आप को सही सा समझते हैं, और जब हमने ड्राइवर से बात किया उन्होंने कहा कि 17-18-19 वर्ष का। बिल्कुल, मैं आप पूर्व में भी इस बातों को कहा हूँ, आज भी मैं पुनः कहता हूँ कि हमें अपने अंचल में सचेत करने की ज़रूरत है, छात्र युवाओं को समझाने की ज़रूरत है। जो छात्र युवा अपने हाथ में बम लेकर के अपने कमर में मशीन लगा करके अपने आप को सबसे बड़ा बलशाली एवं बलवान समझता है, वैसे बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि आप ऐसा ना करें, ऐसे करने से आपका जीवन जो है खतरे में जाएगा और साथ ही साथ आपके अंचल, आपके घर, आपके परिवार के लोगों का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं, थोड़ा परिश्रम करें वो ठीक है, यदि परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके लिए जो है ये सब कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि ये कार्य सदैव जो है अपने जीवन को विनाशकारी स्थिति में ले जाता है। और अपना धर्म जन्म के साथ अपने जीवन की रक्षा करना होता है, आप इस कर्म को करके अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकते हैं, आपका जीवन जो है कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो हमें सचेत करने की जरूरत है, हम लोग निश्चित रूप से ऐसा चाहते हैं कि यहाँ का छात्र युवा नौजवान जो इन सब चीजों से दूरी बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट 24 घंटा लाइव। फिरे एलो नतून रूपे नतून साजे बी दास एंड सन ज्वेलर्स, वर्कशॉप रोड, कांचरापाड़ा।